खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है। समाज सेवी शालिनी सिंह पटेल की अगुवाई में समाज सेवियों ने डीएम बांदा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। स्कूल के बच्चों के साथ लगातार छुआछूत के कारण होली वाली हत्याओं संबंध में एवं महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध के संबंध में बढ़ती बेरोजगारी के संबंध में समाज सेविका शालिनी सिंह पटेल की अगुवाई में जिला अधिकारी बांदा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हुए मीडिया को बताया कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के जिलों में विश्व को कलंकित करने वाली मानवता इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे समाज सेवी किसान मजदूर आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि कुछ भारतवर्ष विभिन्न प्रदेशों में छुआछूत गैर बराबरी जाति भेदभाव के कारण किए जा रहे हैं। पूर्वक हत्याएं एवं नाबालिग बच्चियों महिलाओं के साथ बदतमीजियां करके जिंदा जलाए जाने जैसी जैसे जघन्य गंभीर अपराध किए जाने तथा शासन प्रशासन के विफलता पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार को तत्काल रोक लगाए जाने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए फांसी का सजा दिलाए जाने हम सभी मंडल मुख्यालय जनपद बांदा उत्तर प्रदेश के समाज सेवी आम जनता मजदूर किसान समस्त लोग मांग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी के धन्यवाद करती हूँ, आपकी चैनलों को धन्यवाद करती हूँ। आज हमारा ज्ञापन था, जिस तरह महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, आपको बच्चों के साथ अपराध हो रहा है, छुआछूत, जिस तरह अभी इंद्र कुमार मेघवाल की पानी पीने घड़ा से पानी पी लिया, उसकी हत्या कर दी गई। श्रावस्ती में एक बच्चे ने 250 रुपये फीस नहीं दे पाया, हत्या हो गई। आपका इलाहाबाद में एक बच्चे के मुँह में डंडा डाल दिया। बिल्कुल सुबानों का केस तो पूरे देश या इंटरनेशनल में सबको मालूम है कि किस तरह दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके परिवार को मार दिया गया। और सुबह हमारे प्राइम मिनिस्टर देश की आज़ादी अमृत महोत्सव मनाते हैं और बयान देते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, और शाम को उन्हीं बलात्कारियों हत्यारों को शाम को गुजरात की कोर्ट छोड़ देती है और बीजेपी के नेता उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। और बेरोजगारी चरम पर है, जो सरकार दावा करती है कि हमने सबको आवास दे दिया और सिलेंडर दे दिया, श्रम कार्ड बनवा के लाभ ले लिया, तो किसी मजदूर को कुछ नहीं मिला। मजदूर आप देख सकते हैं भाड़ा लेकर के आए हैं, बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं, तो सरकार इनको रोजगार दे, बांदा में फैक्ट्री स्थापित करे और इनकी मांगे माने, और महिलाओं पर अपराध कम होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति से यही मांग करते हैं, और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम बांदा से लेकर के दिल्ली तक आंदोलन करेंगे, और ये हमारा आंदोलन उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी भारत देश के प्राइम मिनिस्टर और बांदा जिला प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, JK न्यूज़।